है लखनऊ से इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में कोरोना का बम फूटा है, एक बार फिर कोरोना के बहुत सारे मामले निकलकर सामने आए हैं। 24 घंटे में 935 नए केस सामने आए हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 934 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा असर लखनऊ में देखने को मिल रहा है, प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा असर कोरोना का लखनऊ में देखने को मिला है, जहां 24 घंटे में 935 मामले सामने आए और पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मामले एक दिन में जो आ रहे हैं वो आए हैं, जिसमें 79% जो संक्रमित हैं वो युवा पाए गए हैं। 25% युवाओं की हालत नाजुक है, आईसीयू में एडमिट हैं। वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें ये कोरोना के मामले 24 घंटे में 935 मामले जो सामने आए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जय शुक्ला लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जय, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सख्ती बढ़ती जा रही है, फिर आखिर क्या लोगों की लापरवाही उस सख्ती के ऊपर भारी पड़ रही है? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से पूरा मामला निकल के सामने आया, जहां पर 900 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, तो कहीं लोग चीज को लेकर के इधर लापरवाह भी हो गए थे, लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे। और वहीं बीते दिनों होली का जो पर्व रहा है उसमें भी लोगों ने जमकर हुड़दंग किया, होली मनाई, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल को होली के उत्साह के बीच भूल गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो लापरवाहियां रही हैं उसको लेकर के उसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन और सरकार भी इस चीज को लेकर के काफी सख्त हो गई है। जगह जगह जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं या जो लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। आपको बता दें कि कल करीब 7 ऐसे प्रतिष्ठान थे जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। फन मॉल सहित कई ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन पर जिनको सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को लेकर के सख्त जरूर है, लोगों से लगातार अपील की जा रही कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही रही है, ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं इसके पीछे लापरवाही मानी जा रही है, लापरवाही की वजह से ही इतने जो मामले हैं वो लगातार राजधानी लखनऊ के बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जय, लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और इस बीच में कोरोना के मामले जहां लखनऊ में बढ़े हैं और बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आप बने